नाउ स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कल हमने आपको पढ़ाया था एसिड लेफ्ट टू राइट। तो हमने आपसे बोला था कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर B2S6 CH4 NH3 H2O और HF लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर विल बी इंक्रीज। मैंने रीजन बताया था और ये बताया था कि ये रिलीज करने के बाद किस पे निगेटिव आएगा, इन पे निगेटिव आएगा। स्टेबिलिटी कौन ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल। तो ये स्टेबल ज्यादा है, तो स्टेबल ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों स्टेबल ज्यादा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या स्टेबल होता है, निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये हमारा कंसेप्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसीलिए जल्दी रिलीज कर देगा, इसीलिए जल्दी एसिडिक हो जाएगा। ये हमने कल कॉन्सेप्ट डेवलप आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते समय एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, निगेटिव स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल है, इसका मतलब है जल्दी से रिलीज कर देगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम HF, HCl, HBr और HI, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अब ध्यान दो, ये वाला कंसेप्ट इसमें मत अप्लाई कर देना, इसमें उल्टा कंसेप्ट चलता है। HF, HCl, HCl स्ट्रॉन्ग होता है, उससे भी स्ट्रॉन्ग HBr होता है, और HBr से स्ट्रॉन्ग HI होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लेस बेसिक, हाइड्रोजन क्लोराइड इज मोर बेसिक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो टॉप टू बॉटम लिख लेना, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो ये थोड़ा याद करने में भी आसान रहेगा कि लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होगा। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन, हालांकि रीजन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर स्टेबिलिटी उल्टा हो जाता है, यहां पर स्टेबिलिटी इसका ज्यादा हो जाता है। अब यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, यहां पर ये स्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से रिलीज कर देता है H+ को, इसलिए एसिडिक ज्यादा होता है। तब बस अब याद रखना कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्यों क्यों भी देख लो, साइज छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन आधा माना कर देगा, साइज ज्यादा है आराम से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो बस इतना ही समझना अभी कि स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है, इसीलिए एसिडिक ज्यादा है ये। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक विल इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम एसिडिक विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि इसमें इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और इनमें इसका ज्यादा है। तो थोड़ा सा हम आगे और जाएंगे तो हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से ये स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करता है। तो इसमें आप ये लिख लेना कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज एज वेल एज टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज, एज वेल एज टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज, लिख लिए। अब एसिडिक में तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री क्या है। अब हमने यहां हाइड्राइड के बारे में बात की, हाइड्राइड बताया था आपको हाइड्रोजन,
अब हम बात करेंगे ऑक्साइड का। तो देखो BCNONO लिखते हैं, नहीं लिखते हैं BCN, फिर यहां लिखते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इसका ऑक्साइड लिखते हैं, ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड होता है B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड ऑक्साइड, CO2 ऑक्साइड, N2O5। पहले इतना देखते हैं, इसका ऑक्साइड Al2O3, इसका ऑक्साइड SiO2, इसका ऑक्साइड P4O10, इसका ऑक्साइड SO3, इसका ऑक्साइड Cl2O7। ये याद रखना पड़ेगा, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये बनता है। एक बेरिलियम का भी लिख लो BeO। अब ध्यान से सुनना, दो कॉलम बनाया हमने अलग अलग। पहला पॉइंट, मुझे आप ये बताओ कि मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या गेन करना? मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, लूज करना? मेटल, नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, गेन करना। फ्लोरीन क्या करना चाहता है, नॉन मेटल गेन करना चाहता है, चाहता है ना। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये बताओ आप मेरे को। अगर जिस एलिमेंट में मेटालिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नॉन मेटल? बिल्कुल करेक्ट है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा नॉन मेटालिक उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, होगा ना। अब जब फाउंडेशन में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा, मेटल मेटल का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, O2 से लिख दे रहा हूं, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जब इसको पानी में डाल दिया जाता है ये बेस बन जाता है। वहीं पर जब एक नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। और जब इसको पानी में डाल दिया जाता है तो बेस बन जाता, सॉरी एसिड बन जाता है। यह आपको पढ़ाया था मैंने, इसे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम अगर रिएक्शन किया, सोडियम इज मेटल, व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म Na2O, सोडियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, डिजोल्व इन वाटर फॉर्म NaOH विच इज बेस। एक एग्जांपल लेते हैं, C+O2 फॉर्म CO2, व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म H2CO3। पहले इस चीज को क्लियर कर लो, आप यहां से क्लियर करो तब इस पॉइंट पे हम आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा ना, ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट हमने आपको और लिखवाया था, फंडामेंटल में ही लिखवाया था, मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड, और वो बेसिक इन नेचर होगा। अगर हम उसको पानी में डाल देंगे
अगर हम उसको पानी में डाल देंगे तो वो बेस बन जाएगा। अगर नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कार्बन इज ए नॉन मेटल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में डाल दिए कार्बोनिक एसिड, ये क्लियर है? ओके, पर इसको मैं डस्टिंग कर रहा हूं। अब मुझे इस चीज का समझ में आ गया कि अगर एक नॉन मेटल जितना ज्यादा होगा उतना उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, बताओ क्या होगा? जितना ज्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा, उतना एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और नॉन मेटालिक को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जोड़ो, नॉन मेटालिक को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जोड़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो नॉन मेटालिक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं जो जोड़ रहे हो मैं लिख रहा हूं क्या, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है तो नॉन मेटालिक का वैल्यू ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक उतना ही ज्यादा एसिडिक, यानी उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये जुड़ा या नहीं जुड़ा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर मेटालिक करेक्ट नॉन मेटालिक करेक्टर, अब मोर नॉन मेटालिक करेक्टर मोर एसिडिक, यस और नो? तो मैं इसको अब डस्टिंग कर दे रहा हूं। अब मेटालिक तो हमें याद ही हो गया था फंडामेंटल में कि नॉन मेटालिक एसिड बनाते हैं, और हम उस चीज को किससे जोड़ दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर मेटालिक नॉन मेटालिक और मोर नॉन मेटालिक मोर एसिडिक। तो ये कंसेप्ट हम कहां लगाएंगे, ये कंसेप्ट मेटल के ऑक्साइड में लगाएंगे, कहां, सॉरी नॉन मेटल के ऑक्साइड में देखेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड में देखेंगे। देखो अब ध्यान से, इससे पहले हम एसिडिक चेक कर रहे थे किसमें, हाइड्राइड में चेक कर रहे थे, B2S6 CH4 NH3 H2O और HF, इनमें हम क्या चेक कर रहे थे, इसमें हम चेक कर रहे थे एसिडिक, जो H+ रिलीज कर दे। लेकिन अब इसको हाइड्राइड बोला जाता है और इसको ऑक्साइड बोला जाता है, दिस वन इज ऑक्साइड और दिस वन इज हाइड्राइड, हाइड्राइड है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड। तो हाइड्राइड में मैंने आपको क्या सिखाया था, लेफ्ट टू राइट एसिडिक विल बी इंक्रीज और टॉप टू बॉटम एसिडिक विल बी इंक्रीज, ये मैंने आपको सिखाया था, टॉप टू बॉटम एसिडिक विल बी इंक्रीज, दोनों ही केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के केस में इंक्रीज होगा, ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्राइड के केस में लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, और मैं कल बताया भी था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे रिलेट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो निगेटिव किस पे आ रहा है, फ्लोरीन पे, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव क्या होता है, स्टेबल होता है। तो रीजन में कहीं ना कहीं, रीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं आया हुआ था, रीजन में आया था कि इसको हाइड्रोजन को निकालने के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव स्टेबल होता है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक दिखा रहा था।
लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही यूज से एसिडिक को डिसाइड करेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूर होगा उसके अंदर। कैसे होगा? इसमें हमने कैसे डिसाइड किया था मोर एसिडिक वाला? हमने बोला था कि ये लूज करेगा तो बी माइनस होगा, सी माइनस होगा, एन माइनस होगा, ओ माइनस होगा और एफ माइनस होगा। यहां पर स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा स्टेबिलिटी? अब यहां पर जब हम स्टेबिलिटी बोले थे इसका ज्यादा होगा, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटर मारा था, बोला था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या अच्छा लगता है, क्या स्टेबल होता है? निगेटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटर मारा था या रीजन बताने के लिए कि एसिडिक में नहीं बता रहा था वो कि कौन ज्यादा एसिडिक है। जब लूज कर दिया और जब माइनस बन गया तब इलेक्ट्रोनेगेटिव इंटर मारा और बोला कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और जैसे ही ये बात बोला हम इसको ऐसे जोड़ दिए कि ये स्टेबल है, इसका मतलब जल्दी से क्या कर देगा, एच प्लस को रिलीज कर देगा। लेकिन यहां भी ऑक्साइड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही हाथ है, रोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही है, लेकिन दूसरे तरह से। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो नॉन मेटालिक ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा, जो कि हम फंडामेंटल में पढ़े हैं। अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाते समय नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक क्या होगा? नॉन मेटालिक क्या होगा? नॉन मेटालिक विल बी इंक्रीज। जब इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ऐसे बोल देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। अब बढ़ने से नॉन मेटालिक बढ़ता है और नॉन मेटालिक से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहां देखो अलग से अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इनमें सबसे एसिडिक कौन है? नाइट्रोजन वाला है। तो यहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्क्राइब करना और यहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्क्राइब करना अलग मैटर है, लेकिन दोनों जगह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन डिस्क्राइब अलग अलग तरीके से कर रहा है। यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटालिक और नॉन यानी ऑक्साइड में नॉन मेटालिक चेक किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर हो गया? अब यहां ध्यान दो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। दिस वन इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मैं इसको थोड़ा सजा के सुंदर से लिख दे रहा हूं। ये ऑक्साइड लिख लिया होगे ना आप, इसको मैं अब ऐसे लिख दूं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज देन नॉन मेटालिक विल इंक्रीज। तो बी सी एन क्या है? नॉन मेटालिक ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। किसका एसिडिक ज्यादा? ऑक्साइड का। BeO इज मोर B2O3 CO2 N2O5 एसिडिक। अब यहां ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक विल इंक्रीज, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी विल इंक्रीज। इसका मतलब ऑक्साइड Al2O3 SiO2 P4O10 SO3 और Cl2O7 एसिडिक विल बी इंक्रीज।
समझे क्या? तो ये एक्सप्लेनेशन एसिड का क्या है? ये समझ में आ गया सबको? तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट देखा, हाइड्राइड का टॉप टू बॉटम देखा, और ये देखा जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा उतना ही एसिडिक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी हम एसिडिक स्ट्रेंथ में तीसरा पॉइंट बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो पूछा गया H2SO4 और H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड, अब इसमें पूछा गया कि किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें पूछा गया। अब इसमें क्या है कि दोनों सल्फर का ही है, अब इसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, दोनों सल्फर का ही है, कई बार नीट वगैरह में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें दोनों सल्फर का है तो हम इसमें नॉन मेटल और मेटल तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं। अभी अभी अगर हमसे दिया गया होता, जैसे हमसे अगर दिया गया होता, एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, जैसे हमसे दिया गया है एल्यूमिनियम का छोड़ दो, सिलिकॉन का H3SiO3, फास्फोरस का, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस H3PO4 फास्फोरिक, सल्फर का H2SO4, अगर बोला गया क्लोरीन का तो HClO4 पर क्लोरिक, ये सिलिकॉन का एसिड है, ये फास्फोरस का एसिड है, ये सल्फर का एसिड है और ये क्लोरीन का एसिड है। अगर हमसे पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो हम बोल देंगे लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी बताया मैंने, तो वो मैंने ऑक्साइड के लिए बताया, और ये ऑक्सी एसिड है, दिस वन इज ऑक्सी एसिड। तो हमारा मेन हम क्या चेक करेंगे, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो हमने आपको अभी अभी क्या पढ़ाया, ऑक्साइड के लिए पढ़ाया, SiO2 के लिए पढ़ाया, वही बात है, इसको पानी में डाल देंगे तो यह बन जाएगा, इसको ऑक्साइड P4O10 SO3 HClO7। तो हमने आपको इसके लिए बताया, इसको पानी में डाल देंगे तो ये बन जाएगा, इसको पानी में डाल देंगे तो ये बन जाएगा, इसको पानी में डाल देंगे तो ये बन जाएगा, इसको पानी में डाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे, जितना ज्यादा एसिडिक इलेक्ट्रोनिटी उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट ऐसे चेक करेंगे। तो अभी अभी हमने आपको बता दिया, ऑक्साइड पे बताया था, उसको पानी में डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा, इसको पानी में डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पानी में डाल देते हैं तो एसिड बन जाता है, ये पानी में डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा, पानी में डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा। इसको पानी में डाल देंगे एसिड बन जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम हमारे को इस केस थ्री में आएगा, दिस वन इज केस थ्री में आएगा। अब हमें यहां पर ये भी सल्फर का
ऑक्साइड है और ये भी सल्फर एसिड है, ये भी सल्फर एसिड है। इससे ये फास्फोरस का होता और सल्फर का होता, तो हम बोल देते सल्फर का ज्यादा है, सल्फर का होता और पर क्लोरिक एसिड होता, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, याद रखना दिस वन इज पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब यहां सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस है, दोनों सल्फर का ही एसिड है, बोथ आर एसिड ऑफ सल्फर, सेम एटम का सल्फर है, बोथ आर एसिड ऑफ सेम एटम, सेम एटम कौन सा है सल्फर का, तो बोथ आर एसिड ऑफ सेम एटम, सल्फर। तो हमारा तीसरा जो केस है यही है, इफ एसिड ऑफ दिस सेम एटम, एक और ले लेते एग्जांपल, H3PO4 और H3PO3, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड, इन दोनों में डिसाइड करेंगे, फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड, ठीक है, इन दोनों में डिसाइड करेंगे। तो दिस वन इज ऑल्सो बोथ ऑफ सेम एसिड, बोथ आर एसिड ऑफ सेम एटम, बोथ आर एसिड ऑफ सेम एटम, सेम एटम, सेम एटम का ये दोनों एसिड है, ये भी फास्फोरस का है और ये भी फास्फोरस का है। तो ऐसे केसेज में हम कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ टू डिसाइड, तो इसमें बहुत आसान है, इसमें तुम दोनों का क्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो इस ये भी बोल सकते हो कि दिस वन इज एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और दिस वन इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम यहां दोनों का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मान लेंगे एक्स, इसका हो जाएगा -8 और यहां क्या हो जाएगा 2, निकालने आता है कि भूल गए, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 और चार ऑक्सीजन है तो -8 और एक हाइड्रोजन पे +1, दो हाइड्रोजन पे +2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा +6। अब यहां देखो एक्स -6, एक ऑक्सीजन पे -2, तीन ऑक्सीजन पे -6, एक हाइड्रोजन पे +1, दो हाइड्रोजन पे +2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +4 और +6। +4 और +6 हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। अब कंसेप्ट ये बोलता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, अब मुझे बताओ दो मैं कंसेप्ट से कैसे रिलेट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, तुम आप बताते रहोगे तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, आप बताओ। अगर मान लो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और एक सल्फर का +4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, आप बताओ, स्मॉल होगा, होगा ना, तो साइज विल बी स्मॉल, होगा ना स्मॉल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जितना चार्ज प्लस में ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, कम होता है, साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, हाँ डिक्रीज होता है, सही मैं हो जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, जब साइज डिक्रीज होता है छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो मुझे बताओ यहां साइज स्मॉल हुआ,
साइज कम हुआ, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो साइज कम हुआ, तो इलेक्ट्रोनिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनिविटी क्या होगा, क्या होगा बताओ आप? इलेक्ट्रोनिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रोनिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा? जोड़ो एक दूसरे से, एसिडिक क्या होगा? जोड़ लिए। लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज कम होता है, लिख लो इधर कहीं, यहां दिख रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज कम होता है, होता है बराबर। साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। ये तीन चीजें समझ में आया क्या? अब इसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूं, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तब यहां से जोड़ देना है बस, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, होगा या नहीं होगा? जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो दोनों में किसका साइज ज्यादा होता है? तुम जानते हो जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही साइज कम होता है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो साइज कम होगा, और जब साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। यस और नो? तो इसीलिए अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां जोड़ रहे हैं। कहां से? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स से, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फोर। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, साइज विल बी लेस, लेस साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर एसिडिक करेक्टर। यस और नो? तो हम अब डायरेक्ट क्या बोलेंगे? तो डायरेक्ट नोट नोट डाल के लिख लेंगे कि एक लाइन में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिक। बीच वाला लाइन सब कुछ हम क्या कर दिए? गायब कर दिए। बीच वाला लाइन सब कुछ गायब कर दिए हम। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक। अगर वन बाय वन सीरीज में चलना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो साइज विल बी लेस, साइज लेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। अब इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ दो, बीच वाला सब गायब कर दो। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक। तो बताओ इस दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? विच वन इज मोर एसिडिक? ये फास्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगा प्लस फाइव, और इसका निकालोगे तो आएगा प्लस थ्री। मैं ऐसे डायरेक्ट बता दिया आएगा। अब ये प्लस फाइव का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। सबको समझ में आया या नहीं आया? यही था एसिडिक का पूरा फंडा, हाइड्राइड का, ऑक्साइड का, और ये सेम एटम का। ओके, इसको राइट डाउन करो आप।